नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का जलवायु प्रदर्शन सूचकांक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 25। COP का फुल फॉर्म भी आप याद रखिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 25। पहले तो दो तरीके का प्रश्न आएगा इसमें से, तीन तरीके का। कहाँ आयोजित हुआ ये तो पूरे 2020 आता ही रहेगा। और पहले स्थान पे कौन है, वैसे शुरुआती तीन स्थान खाली हैं, पहले स्थान पे कौन है और भारत का स्थान कौन सा है, तो आप सभी देख लीजिए। UPPCS, BPSC, टेट, रेलवे, कहीं SSC सब में आएगा ये प्रश्न, यहाँ से कीजिए आप। मैड्रिड, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में भारत पहली बार इस वर्ष के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI में शीर्ष 10 देशों में शामिल हुआ है। यह भारत के कार्बन उत्सर्जन से उबरने के लिए किए गए भगीरथ प्रयासों का ही नतीजा है। वहीं अमेरिका सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में पहली बार शामिल हुआ है। यहाँ तक कि कोयला उद्योग के दम पर अपनी ये सब बातें छोड़िए, पहले स्थान पर शुरुआती तीन स्थान खाली हैं। और वैसे टॉप पे देखा जाए तो स्वीडन सबसे पहले टॉप पे है, यहाँ मैं आपको बता दूँ, इतना फालतू याद करने की ज़रूरत नहीं है जी आपको। भारत का स्थान 9वां, स्वीडन पहले स्थान पे, और कहाँ आयोजित हुआ, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। देखिए, हालांकि यूरोपियन संघ के स्वीडन और डेनमार्क जैसे देश चौथे और पांचवें स्थान पर हैं, स्वीडन ने टॉप किया है। मतलब शुरुआती तीन तो खाली रखे गए हैं क्योंकि पेरिस समझौते के अनुसार कोई भी देश अपने वायदों को पूरा नहीं कर पा रहा है, ये बात है। तो कौन जारी करता है, एक बात और है इसमें, तो सूचकांक को संयुक्त रूप से जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन, ये तीन पार्टियाँ हैं जो, तीन लोग हैं या तीन संस्थाएँ हैं जो ये जारी करती हैं। दोबारा आप समझिए कहाँ हुआ है, COP 25 मैड्रिड में, स्पेन में, और कौन जारी करता है, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, तीन लोग ये जारी करते हैं। अच्छा, और भारत का स्थान 9वां और पहले स्थान पे स्वीडन। चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा। हैव ए नाइस डे, बाय। इसमें भी मैं आपको ये मैंने मानव विकास सूचकांक याद करा ही दिया था इसकी, और सुरेंद्र लाल गुप्ता जी को धन्यवाद, इन्होंने हमारी GK ट्रिक्स की किताबें पढ़ी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इनको। और ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मूली आई, आइसोसाइनेट के कारण मूली का तीखापन होता है, साले हरा आलू लाया, सोलेन के कारण आलू का हरा रंग होता है, रबी सर चंगे से आराम से जौ लाए, ये रबी की फसल आपको याद हो जाएंगी, ये अनुसूचियाँ याद हो जाएंगी, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब याद हो जाएगा आपको। चाचा पंचायत ने अनुकूल सामान दबा लिया, 40, 42, 44, 46, 48 अनुच्छेद आपको याद हो जाएंगे। इनको भी धन्यवाद, सत्यदेव सिंह को, कॉन्स्टिट्यूशन की ट्रिक वाली किताब इन्होंने पढ़ी है, बहुत बहुत धन्यवाद। किताबों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और व्हाट्सअप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 9997295322 पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके। हैव ए नाइस डे, बाय।